वेलकम बैक टू माई चैनल स्टाइल कॉर्नर। सो कैसे आप लोग? सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी पर्पल दिवाली हॉल। सो पर्पल पे आपको मिल रहा था अप टू 50% तक का आप सेलेक्टेड ब्यूटी ब्रांड्स पे। सो वहाँ जाके मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, क्योंकि मेरे पास जो भी मेरे प्रोडक्ट्स है बहुत पुराना हो चुके हैं, तो मुझे नया प्रोडक्ट्स कुछ चाहिए था। पर इस बार मैं बहुत अफोर्डेबल एंड कम शॉपिंग की है, इतना ज़्यादा नहीं की। मेरे पास अप टू 15-20 तक का प्रोडक्ट्स ही कुछ है। सो एंड हेयर बॉक्स, ये बॉक्स है, इसमें मेरे सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं एंड मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि हॉल्स जो है वो बहुत लंबे चलते हैं, इतना टाइम आपकी दिमाग नहीं खाने वाली मैं। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है ये स्विस ब्यूटी का आईब्रो एंड आई लाइनर पेंसिल 2-in-1 है। ये आप कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हो एंड इसकी प्राइस 299 रुपीज़ है। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा एक छोटी सी बॉक्स एंड इसमें आपको एक एप्लीकेटर भी मिल रहा है एंड इसको आप आईब्रोज एंड आई लाइनर दोनों भी लगा सकते हैं। इतना एंगुलर नहीं है एंड इतना स्मॉल टिप भी नहीं है इसकी। एंड ये बहुत अच्छे से रोज़ गोल्ड कलर की पैकेजिंग है एंड आप ऊपर से यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक छोटी सी क्यूट सी मिरर, आप जिसमें देख के अपने आईब्रोज एंड आई लाइनर आसान से लगा सकते हो। एंड यहाँ पे आपको मिल रहा है एक आईब्रो पाउडर टाइप की कॉन्सिस्टेंसी एंड एक अच्छी पिगमेंटेशन है। एंड ये थोड़ा ग्रेश ब्लैक है, मेरी शेड से थोड़ा अलग है, फिर भी कवर हो रहा है। मेरी आईब्रोज थोड़ा थिक है तो मैं इसको कवर कर सकती हूँ, मैंने पहले इसको अप्लाई कर चुकी हूँ। एंड नीचे आप इसको इस तरीके से ओपन कर सकते हो एंड यहाँ पे मिलेगा आपको आई लाइनर, ये जेल बेस्ड आई लाइनर है। सो या फर्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास ये है एंड इसका प्राइस है 299 रुपीज़, शायद अब बढ़ गया होगा। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास ये ब्रॉन्ज़न प्रोफेशनल का आई लैशेज। इसमें मैंने सिर्फ एक ही पैक लिया है, ये है PAC 53 जो है इनका नंबर। ओके, एंड इसका प्राइस है 120 रुपीज़, ये भी बहुत अफोर्डेबल है। एंड नेक्स्ट मेरे पास है ये लिक्विड आईलाइनर फ्रॉम बेला वोस्टे, ये इसकी पैकेजिंग है आउटसाइड से ब्लैक कलर की पूरी पैकेजिंग। एंड इसमें आपको आईलाइनर मिल जाएगा कुछ ऐसे, जो कि NYBE जैसी आईलाइनर है, ये थोड़ा बड़ा है। एंड गाइस ये आपको मिल जाएगा बहुत सारे शेड्स में, आप ट्राई कर सकते हैं। इसकी प्राइस है 109 रुपीज़ एंड ये मतलब ऐसा है कुछ लाइट, इतना ज़्यादा डार्क ब्लैक नहीं है, नॉर्मल सी लाइट देता है, लाइट एप्लीकेटर है। एंड इसके एप्लीकेटर भी बहुत थिन है, आप अच्छे से अपनी विंग लाइनर जो भी है अप्लाई कर सकते हो। एंड ये देखिए आप, एक नॉर्मल सी इफेक्ट दे देता है आपको, इतना ज़्यादा डार्क ब्लैक नहीं है। एंड ये बहुत जल्दी सूखने लग जाता है, जैसे आप एक लाइन ड्रॉ करने लगोगे उसमें बीच में ही सूख जा रहा है, तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर भी मैं फॉर्म चला लूँगी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट मेरे पास है बेला वोस्टे की मस्कारा कर्ल एंड स्वर्ल 2-in-1 मस्कारा एंड आपको इसमें से कुछ इस तरीके से ब्रश मिलेगी, देख सकते हो, एक कर्ल किया हुआ एंड एक स्ट्रेट ब्रश, मतलब जो भी एप्लीकेटर है आप उसको ऐसा कुछ ऐसा। इसकी पैकेजिंग है एंड ब्लैक एंड वाइट पैकेजिंग बहुत अच्छी बात है। एंड इसकी प्राइस है 140 रुपीज़, आप कुछ यहाँ पे जो टिप आपको दिख रहा है आप इसको टर्न करेंगे तो लोग अंदर आपकी ब्रश चेंज हो जाएगी, मैं दिखाती हूँ। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा टर्न किया हुआ मस्कारा है एंड आप इसको अंदर करके, मैं अंदर नहीं मतलब बाहर से भी दिखा सकती थी एंड ये स्ट्रेट हो गया एंड ये भी बहुत अच्छा मस्कारा है। अभी मैंने इसको वेयर करके रखी हूँ एंड इसकी प्राइस है 140 रुपीज़, बहुत अफोर्डेबल है। एंड नेक्स्ट मेरे पास है फाउंडेशन फ्रॉम मेबेलिन। सो ये मेबेलिन फिटमी फाउंडेशन है, ये जो है मिनी पैकिंग है, इसकी बॉटल मैंने लिया नहीं, मुझे लगा मैंने अभी तक शेड ट्राई नहीं किया तो मैं कंफर्म फिक्स इतनी बड़ी बॉटल नहीं ले सकती हूँ, तो इस बार मैं इस मिनी पे गई हूँ। एंड इसकी प्राइस है 224 रुपीज़ एंड मेरे पास जो शेड है वो 310 सन बीच एंड डेफिनेटली ये मेरी शेड नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट है मेरी स्किन पे, आप देख सकते हो, ये बहुत मतलब मुझे आराम से अप्लाई करना पड़ेगा, मेरी फेस पे जाएगा नहीं, मेरे हाथ पे तो सेम लग रहा है पर फेस पे तो जाएगा नहीं। तो नेक्स्ट मेरे पास है एंड इसकी प्राइस 224 रुपीज़, जैसे कि मैंने बताया ये भी ऑफ में चल रहा था। मेबेलिन की काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है जो ऑफ में चल रहा था, पर मैंने सिर्फ इस बार ये फाउंडेशन लिया है। नेक्स्ट मेरे पास है स्विस ब्यूटी की मेकअप फिक्सर एंड ये
इसकी प्राइस जो है 249 रुपीज़, 250 रुपीज़ जो भी है, मतलब इतनी कम प्राइस में आप एक अच्छी सी मतलब क्वांटिटी में आपको अच्छी सी बॉटल मेकअप फिक्सर मिल रहा है। एंड मैं ओपन करके दिखाती हूँ, एंड आप देख सकते हो एक बड़ी सी बॉटल आपको अच्छे से मिल रहा है। एंड या मैं इस पर खुश हूँ। सो नेक्स्ट मेरे पास है मिनी स्पॉन्जेस जो कि कंसीलर अप्लाई करने के लिए होते हैं, एंड इसकी प्राइस है 185 रुपीज़। ओके, यहाँ पे आपको पूरे 6 पीसेस मिल रहे हैं, एंड दे आर सो क्यूट, लुक एट दिस। एंड ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिख रहा है मुझे तो। एंड इसमें से कुछ छोटे छोटे तीन हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्लफी हैं, एंड दो तीन बड़े हैं जो थोड़ा टाइट है। एंड मुझे कंसीलर अप्लाई करने के लिए इतना बड़ा स्पंज से मुझे थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए मैंने इस बार इसको ट्राई की है। एंड मैंने अभी तक इनको ट्राई नहीं किया, मैं अगली वीडियोज़ में इसको ज़रूर ट्राई करूँगी, एंड आप लोगों के साथ ज़रूर बताऊँगी कि मुझे इनको यूज़ करके कैसा लगा। एंड या नेक्स्ट मेरे पास है कंसीलर, ये भी स्विस ब्यूटी की तरफ से। एंड मेरे पास जो शेड है वार्म सैंड, ये कंसीलर की प्राइस है 199 रुपीज़। एंड मैं आपको कुछ ओपन करके दिखाती हूँ। एंड ये कंसीलर कुछ ऐसा दिखता है, एंड आपको अच्छी सी क्वांटिटी में ये मिल रहा है, एंड इसकी पैकेजिंग भी अच्छी है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ये मेरी जो शेड है थोड़ा डार्क हो गया है, एंड आई डोंट नो मेरी कोई बात नहीं, काम चला लेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं मेरे पास है स्पॉन्ज, मेकअप स्पॉन्ज जो भी है, ये अलग सा मेरे पास एक डायमंड शेप की मेकअप स्पॉन्ज है जिसकी प्राइस है 105 रुपीज़। एंड इसकी शेप जो है डायमंड जैसी है, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे ये बहुत ब्यूटीफुल स्पॉन्ज है। एंड मैं अभी तक ट्राई नहीं किया है, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं ट्राई करके फिर से बता देती हूँ ये कैसी लगी। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इसको ज़रूर ट्राई करने वाली हूँ। सो नेक्स्ट, एंड मेरे पास है नेक्स्ट मेरे पास ये बेला वोस्टे की प्राइमर, मेकअप प्राइमर जो भी है। एंड यहाँ पे मैंने बिल्कुल कलर बार जैसी पैकेजिंग है इसकी, एंड इसकी प्राइस है 210 रुपीज़। एंड आपको मिल रहा है एक अच्छी क्वांटिटी में प्राइमर आपको, एंड बहुत ये स्किन कलर है, मतलब ऐसा नहीं है ट्रांसपेरेंट नहीं, ये स्किन कलर जैसे, एंड बहुत सॉफ्ट है, ये बहुत अच्छी स्मूथ इफेक्ट दे रहा है आपको। या आई लव दिस ऑल्सो। नेक्स्ट मेरे पास है NYBE की कुछ प्रोडक्ट्स, एंड यहाँ पे मेरे पास है NYBE रनवे की कॉन्टूर स्टिक। एंड यहाँ पे मेरे पास जो शेड है बैक स्टेज स्टेटमेंट इन चेस्टनट, ओके 14, ओके एक डार्क ब्राउन शेड जो भी है मैंने कॉन्टोर करने के लिए स्पेशली लिया था। एंड इसमें आपको कंसीलर्स वो सब में मिल जाएंगे, फाउंडेशन स्टिक्स जैसा भी मिल जाएगा। एंड यहाँ पे इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है ब्लैक सी, एंड इसमें से जो शेड है वो ब्राउन है। एंड या मुझे कॉन्टोर करने के लिए शायद ये यूज़ हो जाएगा आई थिंक, मैंने पहले भी इस कंसीलर स्टिक जो शॉर्ट होते हैं उनमें से ट्राई किया था, पर वो शेड मेरे लिए कॉन्टोर करने के लिए नहीं बल्कि मेरी फेस पे फाउंडेशन के लिए यूज़ करने लगी हूँ मैं। सो नेक्स्ट इसकी जो प्राइस है 149 रुपीज़, या ये भी फिर से अफोर्डेबल गई हूँ। एंड NYBE में नेक्स्ट मेरे पास है दो लिपस्टिक्स, वहाँ पे NYBE पे एक ऐसी ऑफर भी चल रहा था कि आप दो ले लो फिर एक, मतलब बाय टू एंड पे फॉर वन लिपस्टिक के लिए। सो यहाँ पे मैंने ली है दो लिपस्टिक NYBE रनवे से एक, एंड नॉर्मल NYBE की लिपस्टिक एक। एंड पहले मैं नॉर्मल लिपस्टिक बता देती हूँ, ये इसकी पैकेजिंग है ब्लैक कलर की, एंड इसकी जो शेड है हॉट हेजल, ये हॉटल हेजल की प्राइस जो है 80 रुपीज़। एंड या आई लव दिस शेड, एंड एक पिंक जैसा दिख रहा है पर ये एक्चुअली एक न्यूड शेड है, एंड यू गो देख सकते हो कुछ ऐसा न्यू शेड है। 80 रुपीज़ से बहुत अफोर्डेबल है, आपको NYBE की सारी प्रोडक्ट्स बहुत अफोर्डेबल प्राइस रेंज में मिल जाएगा, सो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। एंड नेक्स्ट मेरे पास ये रनवे की लिपस्टिक है, एंड मुझे रनवे की लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इतना अच्छा क्रीमी टेक्स्चर का होता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड कुछ शेड्स भी बहुत अच्छे हैं, एंड इसकी पैकेजिंग देखोगा गोल्डन कलर की, कितनी अच्छी पैकेजिंग है। एंड इसकी प्राइस जो है 94 रुपीज़,
हाँ ऑफर में चल रहा था, एंड एक ब्यूटीफुल सा रेड कलर जो कि मैंने वियर करके रखी है वो रेड कलर है, एंड आप देख सकते हो इसकी शेड कुछ ऐसी है, ब्यूटीफुल सी रेड कलर है, एंड आई लव दिस वन। सो नेक्स्ट मेरे पास है सबसे नेक्स्ट मेरे पास है स्टेक विकी से एक प्रोडक्ट, एंड ये है ब्लश, एंड आई लव दिस छोटे सा क्यूट सा मिनी पैकेजिंग। मुझे कार्डबोर्ड की पैकेजिंग जो भी है मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड इसका जो प्राइस है 216, मतलब इतना अफोर्डेबल नहीं है एक ब्लश के लिए। सो यहाँ पे कुछ ब्लश मेरी इस तरह कैसी है, एंड इसकी प्राइस जो है 216 रुपीज़, एंड मेरे पास ये जो शेड है मेरे पास ये कौन सी शेड है, हाँ मेरे पास जो शेड है वो पीची गर्ल, ओके यहाँ पे कुछ ऐसी शेड है, एंड ये बहुत ज़्यादा डार्क इफेक्ट नहीं दे रहा है आपको, बहुत ज़्यादा लाइट अप्लाई कर सकता है ब्लश के लिए, बहुत अच्छी बात होती है। एंड नेक्स्ट मेरे पास है ये काजल फ्रॉम बेला वोस्टे, एंड इसकी जो प्राइस है 82 रुपीज़, एंड फिर से ये अफोर्डेबल में गई हूँ मैं, एंड या आई लव दिस काजल आल्सो, एंड इसकी पैकेजिंग नॉर्मल यूजुअल जो भी बाकी ब्रांड्स की पैकेजिंग होती है वैसा है, एंड ये बहुत अच्छा डार्क ब्लैक एंड मैट फिनिश देता है आपको, आप देख सकते हो एक अच्छी काजल है अफोर्डेबल रेंज में, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो इसको भी। एंड सबसे लास्ट में उन्होंने इतनी सारी खरीदी करने के बाद मुझे दिया फ्री में ये एक नेल पॉलिश जो कि स्विस ब्यूटी की है, एंड एक हाई शाइन ग्लिटर नेल पॉलिश है जो शेड है 01, कुछ और ज़्यादा नहीं लिखा है, एंड ये ग्लिटरी इफेक्ट देता है, आप अपनी जो भी नेल पॉलिश है उसके ऊपर आप इफेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड मेरी जो लाइट शेड है उसके ऊपर दिख भी नहीं रहा मैं कैसे अप्लाई कर, एंड या ये एक ग्लिटरी इफेक्ट देता है, देख सकते हो मेरे बाकी सारे नेल से भी। सो गाइस इसकी भी पैकेजिंग मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा, एंड मैं इसमें से और भी नेल पॉलिश ले लूँगी। सो दैट इज इट फॉर टुडे, एंड मेरी शॉपिंग भी ख़त्म हो गई यहाँ पर, नहीं मुझे और भी शॉपिंग करनी है इसलिए मैंने इस बार थोड़ा कम शॉपिंग किया है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड, बाय बाय।